तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आज हम आए हैं रामेश्वर, जो कि आप सीधे की तरफ चले जाएंगे तो रामेश्वर मंदिर के पास चले जाते हैं। यहाँ से दोस्तों 300 मीटर दूर पे है और यह तिराहा आपको दिख रहा होगा, यह बाज़ार है दोस्तों। और यहीं से मैं आपको लेके जाने वाला हूँ हरहुआ, जो कि मैं आपको हरहुआ तक का जो है नज़ारा दिखाऊँगा। तो वीडियो को स्किप ना करिएगा, चैनल में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यह मैं आपको लेकर चलता हूँ, तो देखने के लिए बन रही है दोस्तों हमारे चैनल में, ठीक है। पचकोसी मार्ग है दोस्तों, रामेश्वर पचकोसी मार्ग। और यहीं से मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ हरहुआ तक का जो है मैं आपको नज़ारा दिखाने वाला हूँ, तो देखने के लिए बन रही है हमारे चैनल में। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ, शॉर्टकट में आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ठीक है। देख रहे हैं हम लोग काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहे हैं और इधर की तरफ आपको मकान बहुत कम दिख रहा होगा और पेड़ पालो आपको ज़्यादा दिख रहा है दोस्तों। देख रहे हैं आप लोग, जो कि साल में एक बार लोग यहाँ पे यात्रा करने के लिए बहुत ढेर सारे लोग आते रहते हैं। यह रास्ता काफ़ी सुनसान आपको दिख रहा होगा, ठीक है। जो कि काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए जो कि आते हैं रामेश्वर धाम। देख रहे हैं काफ़ी सुंदर नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ बांस का पेड़ भी है और आप लोग को जगह जगह पर जो है घर दिख रहा होगा, जो कि हम लोगों की तरह नहीं है शहर जैसा, और आपको आगे चल कर दिखेगा, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस रास्ते पर काफ़ी लोग जो हैं ऐसे लोग होते हैं जो कि आने में डरते हैं, जो कि यह रास्ता काफ़ी सुनसान है ना इसीलिए। और जैसे कि आप सीधे की तरफ चले जाते हैं तो चले जाएंगे हरहुआ की तरफ, ठीक है दोस्तों। इसी जगह जो है पासपोर्ट करने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते रहते हैं। देख रहे हैं काफ़ी अच्छा नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि और यह रोड काफ़ी सुंदर लग रहा है। देख रहे हैं कहीं कहीं आपको मकान दिख रहा होगा देखने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग सोचते होंगे कि हम कैसे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। दोस्तों इस टाइम हम टेम्पो में बैठे हुए हैं, ठीक है, सबसे आगे बैठे हुए हैं, जो कि टेम्पो में बैठे हुए हैं अपना जो है वीडियो कैच कर रहे हैं। ये देखिए साइड में मंदिर है और आपको अच्छी अच्छी मकान दिख रहा होगा देखने के लिए, जो कि सामने मंदिर भी है दोस्तों। ये देखिए लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो कि यहाँ पे सब्जियाँ भी बिकती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं आसानपुर यह है, ठीक है, जो कि इस टाइम हम आसानपुर में प्रवेश कर रहे हैं और यहीं से हम आगे चलते हैं। सामने का पेड़ दोस्तों सूख गया है, देखिए देख रहे हैं पानी ना मिलने कारण सूख गया है। ये मंदिर रोड के किनारे है और यहाँ पर देखिए भटोली लिखा हुआ है। देखिए गांव का नाम काफ़ी अजीब रखा गया है और ऐसा अपने नाम शायद आपने सुना होगा। और हम कुछ ही मिनटों में पहुँचने वाले हैं हरहुआ की तरफ दोस्तों। देख रहे हैं रोड के किनारे किनारे कितना पौधे आपको दिख रहा होगा, देख रहे हैं। और दोस्तों आगे के गांव का नाम है दोस्तों करोना गांव, ठीक है। ये देखिए करोना लिखा हुआ है, करोना, देख रहे हैं ऐसा ऐसा नाम रखा गया है, जो कि आपको सुनकर भी हैरानी हो सकती है।
और हम दोस्तों कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाले हैं हरुंगा की तरफ, जैसे कि मैं आपको अगले वीडियो में दिखाने वाला हूं जो कि शिवपुर का नज़ारा और दोस्तों चिरेगांव ब्लॉक का मैं आपको नज़ारा दिखाऊंगा, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अभी यह इधर की तरफ जो है तरक्की नहीं हुआ है, जैसा अपना बनारस है अभी इधर की तरफ तरक्की नहीं हुआ है, तरक्की होने में काफ़ी दिन लग जाएंगे इधर की तरफ। दोस्तों आप जैसे कि अब इधर की तरफ से गंजारी भी जा सकते हैं हरुंगा से होते हुए, ठीक है। और यह वीडियो जो है बहुत दिनों के बाद मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। दोस्तों पहले तो मैं आपको पंडाल दिखा रहा था, जैसे कि आप देख रहे हैं इस गांव पे जो है भटोली गांव, दोस्तों यहाँ पे दो जगह हो गया, ठीक है। और हम आ गए हैं हरुंगा की तरफ। अब कुछ ही मिनटों में हम लोग पहुंचने वाले हैं, सामने आपको दिख रहा होगा। जैसे कि आप साइड में देख रहे हैं नाला वाला पाइप जो है गिरा हुआ है यहाँ पे, जो कि दोनों साइड में गिरा हुआ है दोस्तों, जो कि लंबा देख रहे हैं पूरा पूरा गिरा हुआ है, और ये किनारे किनारे लगेगा पूरी तरह से पाइप, जो कि पानी क्रॉस होने के लिए यहाँ पे लगेगा। और जैसे कि हम पहुँचने वाले हैं कहाँ पर दोस्तों, हरुंगा, जो कि मैं आपको हर वीडियो के साथ बता रहा था कि हर बार बार कि हम आ चुके हैं हरुंगा की तरफ दोस्तों, ठीक है। सामने आपको दिख रहा होगा जो कि पुल भी आने वाला है। यहाँ से 20 मीटर है दोस्तों, ठीक है, हरुंगा दोस्तों हम आ गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने ये देखिए पुल, जो कि हरुंगा से हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो अभी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, और तो और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव। एक बार हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि हर भाई के पास मेरा चैनल पहुँच जाए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।